मेरी आई है, ना ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और क्या पढ़ना है, मैजिक या चैलेंज? सर मैजिक, मैजिक। ओपन द मैथ मैजिक बुक। हैमिल्टन क्वार्टर्स। यस यस, तो ओपन द मैथ मैजिक बुक। यस सर, रुकिए दो मिनट बस। दो मिनट। रूम में जाना बोले तो। तनी भी आके भेज दो मम्मी तनी। निकाल लेने क्लास फोर्थ। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। सर अब पढ़ाने स्टार्ट कर दीजिए। यस, पेज नंबर 95। हाफ हाफ। यस सर, हाफ एंड हाफ। हाफ एंड हाफ पढ़ रहे थे। यस, हाफ हाफ मीन्स आधा। आधा वन बाई टू, इट मीन्स फ्रैक्शंस में अगर हम लोग फ्रैक्शंस पढ़ चुके हैं तो वन बाई टू हाफ इज वन बाई टू, यानी आउट ऑफ टू वन पार्ट, आउट ऑफ टू वन पार्ट। जैसे सपोज हम अगर इसे फिगर में बनाएं, जस्ट लाइक चपाती, here is two part, one part, two part, half portion is out of two, one part, यानी one part ही क्या है? एक रोटी की आधा किया गया है। हिस्सा, एक हिस्सा, one part। हिस्सा। clear भी कर सकते हो? अब आइए चार questions हैं, 95 का first चार questions। If the cat ask you to divide the chapati equally, how will you divide it? सर हमको आधा है सेंटर में से। यस, यू जस्ट फोल्ड इट इक्वली, फोल्ड इट सर क्या लिखेंगे उसमें? फोल्ड इट इक्वली, यानी हाफ पोर्शन ये आप कर सकते हो। फोल्ड इट हाफ। इफ यू डोंट चीट लाइक T2, The cats will have these parts. देखो तो अगर तुम यहाँ पे दिखाया गया बेटा आपके बुक्स में, अगर आप चीटिंग जस्ट लाइक T2 जैसा चीटिंग नहीं कर रहे हो तो दिस चपाती इज डिवाइडेड इन दिस टाइप्स है। बोथ कैट्स आर वेरी हैप्पी, बहुत हैप्पी है ना, कि दोनों का क्या है? इक्वल है। क्या है? दोनों पार्ट इक्वल है। अब आइए हाफ ऑफ हाफ। हाफ ऑफ हाफ मीन्स व्हाट? आधे का आधा। हाफ ऑफ हाफ अगर मैं यहां लिखूं, हाफ ऑफ हाफ हाफ इट मीन्स आधे का आधा। कितने का? द फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक इट इज द हाफ एंड अगेन इज डिवाइडेड फोर इक्वल पार्ट्स। हाफ एंड हाफ मीन्स व्हाट? लिसन बेटा। यस सर।
इफ टू मोर कैट्स कम फॉर फूड, अगर दो और बिल्लियां आ गई, यानी टू तो ऑलरेडी है, मिंटू एंड मुंटू, एंड टू कम्स फोर कैट्स कम फ्रॉम फूड, हाउ विल यू डिवाइड वन चपाती इक्वली फॉर फोर इट इन फोर कैट्स? इन फोर कैट्स के लिए कैसे इक्वल करोगे, डिवाइड करोगे? सर हाफ ऑफ करोगे, हाफ ऑफ तो हो गया है, इट इज द शेयर ऑफ टू कैट्स, हाफ ऑफ हाफ करेंगे सर। अभी तक दो कैट से वन चपाती थी, इट मींस हाफ एंड हाफ हमने हाफ कर दिया, अब दो और आ गए यानी फोर हो गए, ऑन द फोर कैट्स हमें डिवाइड किस में करना है, तो जस्ट हाफ एंड हाफ, अगर हम इस हाफ को हाफ कर दें और इस हाफ को हाफ कर दें, कितना हो जाएगा? फोर यानी दिस पार्ट इज 1/4 आउट ऑफ 4। सर तो एक स्टार क्वेश्चन है, इफ टू मोर कैट्स, तो उसमें हम आंसर क्या लिखेंगे? बता रहा हूँ, इच ऑफ अस, देखो यहाँ पे क्या कर रही है, इच ऑफ अस गॉट ए क्वार्टर ऑफ द चपाती, यू आर गुड डिवाइडर, क्या होगा क्वार्टर ऑफ चपाती यानी 1/4 पार्ट्स, हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ हाफ करेंगे, क्या करेंगे, यू मेक हाफ एंड हाफ, हाफ 1/2 है, 1/2 हाफ हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज 1/4 1/4 बेटा, यस यस, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर। ओके, सो यू जस्ट, आपने हाफ कैसे होगा आपका, इट इज द हाफ, अब आप क्या करेंगे, जस्ट अगेन फोल्ड, अगेन हाफ फोल्ड ऑफ हाफ, यानी हम फोल्ड करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कैसे फोर पार्ट्स, अब इसमें से अंदर ही आ जाएगा। अब आपके बुक्स में भी है, हियर इज फोर कैट्स एंड वन गर्ल्स हैज डिवाइडेड दिस चपाती, अब आइए हाफ ऑफ मेनी पीसेस, रानी गॉट अ चॉकलेट, क्या लिखेंगे उसमें, इफ टू मोर कैट्स कम फॉर फूड, हाउ विल यू डिवाइड वन चपाती इक्वली फॉर फोर कैट्स, यू मेक द हाफ ऑफ हाफ, फॉर टू कैट्स व्हाट यू मेक, जस्ट ऊपर हमने क्या किया, हाफ किया, अगेन जब हमारे पास फोर आ जाएंगे तो जस्ट आई मेक दिस चपाती हाफ ऑफ हाफ, हाफ ऑफ हाफ मीन्स आगे आप लिख सकते हो मीन्स 1/4 पार्ट, आप लिख ले, यही लिख ले हाफ एंड हाफ, एंड मीन्स 1/4, सर आंसर में क्या लिखे, ब्लैक बोर्ड पे लिख दीजिए, यही लिख रहा हूँ, हाफ ऑफ मीन्स 1/4 पार्ट फॉर वन कैट, ठीक है, हाफ ऑफ हाफ मीन्स 1/4 पार्ट फॉर ईच कैट शेयर, शेयर मीन्स हिस्सा, हो गया सर। ओके, अब आइए हाफ ऑफ मेनी पीसेज, हाफ ऑफ मेनी पीसेज, अभी तक हमारे पास क्या था, व्हाट इज ओनली वन चपाती था जिसको हाफ करना था, रानी गॉट ए चॉकलेट, रानी क्या पाई, एक चॉकलेट पाई, शी डिवाइडेड इट इक्वली एंड गिव हाफ टू हर, द पोर्शन दैट रीना गॉट, अब हम मैथमेटिक्स पे आ रहे हैं, Thank you.
यस हाफ ऑफ मेनी पीसेज हियर इज द वन चॉकलेट जस्ट लाइक चॉकलेट बार है जिसमें हाउ मेनी पीसेज सिक्स कितने हैं सिक्स पीसेज सर्कल द पोर्शन द रीना गॉट तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट हाउ मेनी पार्ट्स इन हाफ अब हम लिखेंगे क्या वन बाय टू मीन्स हाफ वन बाय टू समझ में आ रहा है आपको यस माय वॉइस इज क्लियर बेटा सर आवाज क्लियर है सर वन बाय टू कैसे हाँ वही आ रहा हूं मैं वन बाय टू इज इक्वल टू हाफ होता है आपके क्वेश्चंस में क्या है She divided equally and gave half to her friend Rina. Half यहाँ पे आया है Half is अभी मैंने समझाया था Half means one by two. आधा आधा one by two. अभी हमने एक छोटा सा portion भी बनाया था Just ये क्या हो गया What two part? Suppose करो कि chocolate है या रोटी है चपाती है या सर्कल है मैंने चपाती लिख दिया जस्ट वन बाई टू यानी टू पार्ट में से वन पार्ट वन बाई यानी आधा होता है तो यहाँ ज्यादा दुखी वन बाईर इज हाउ मेनी बार वन टू देखो तो वन थ्री फोर फाइव सिक्स लिसन यस हमारे पास सिक्स आपके बुक्स के अनुसार चॉकलेट बार है बार उसमें सिक्स पार्ट्स है अब हमें क्या करना है वन बाई टू यानी हाफ हमें क्या करना है हाफ ऑफ तो हाफ को मैथमेटिकल्स में हम लिखते हैं वन बाई टू ऑफ कितने हैं हाउ मेनी सिक्स अब ये समझो नई चीज आपके पास आ रहा है ऑफ मींस क्या होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफ का इंग्लिश लैंग्वेज में का के की होता है मैथमेटिक्स में का मीन्स होता है मल्टीप्लाई ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई तो हमने क्या कर दिया कि अब वन बाई टू मल्टीप्लाई सिक्स हियर इज डेनोमिनेटर इज वन इज हाइड यहां पे डेनोमिनेटर हमारा वन छुपा हुआ है आप लिख भी सकते हो ठीक है बेटा हम लोगों ने मल्टी फ्रैक्शंस में पढ़ा है पढ़ा है ना याद है कि नहीं है यस याद है सर मल्टी फ्रैक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है अब देखो तो यस अब रिड्यूस करो टू वन या टू याद है टू थ्री या सिक्स वन वन One multiply three three one three by one. Three by one आएगा. Equal to? Yes. Equal to three. Three. यानी रीना कितना? Yes sir. रीना रानी जो है three. अपने फ्रेंड को कितना देगी? How many parts? Three parts. Three. तो circle the portion that Rina got. आप सर्कल करोगे कितना पार्ट अब हम कर रहे हैं ये पार्ट हो गया रीना का जस्ट यू सर्कुलेट इन बुक्स बुक्स में सर्कल कर लो आगे बढ़ो पेज नंबर 96 देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट इज यहाँ पे पूछा जा रहा है हाउ मेनी पीसेज ऑफ चॉकलेट आर देयर राइट सिक्स लिखो सिक्स लिख रहे हो पेज नंबर 96
व्हाट इज क्वेश्चन? हाँ सर, हाउ मेनी पीसेज ऑफ चॉकलेट आर देयर? हाउ मेनी पीसेज सो यू राइट आर देयर? सिक्स सिक्स. अब आइए सर, सिक्स. हाउ मेनी पीसेज पीसेज आर लेफ्ट विद रानी? कितने पीसेज बच जाएंगे बेटा रानी के पास? उसने कितना दिया? थ्री पार्ट, थ्री पीसेज दे दिए. थ्री. अपने फ्रेंड्स रीना तो रानी लेफ्ट कितना? हाउ मच? थ्री. थ्री. अब जिसके से मैं पूछूंगा वो मुझे रिप्लाई देगा. क्या किससे मैं पूछूंगा? रुको थोड़ा देखूं मैं कौन है. दोनों में थ्री. हाँ दोनों में थ्री. नहीं एक में सिक्स होगा. दोनों में थ्री. नहीं नहीं जीवान वंस यादव ओपन द वीडियो बेटा. यस वंस बताओ मुझे वंस. यस लिसन मेरी बात सुनो. हाफ हाफ ए चॉकलेट इज ए टेस्टी एज ए होल चॉकलेट. आधा चॉकलेट आपको मिला है तो पूरे चॉकलेट का जैसा ही टेस्ट रहेगा कि आधा टेस्ट हो जाएगा? यस सर, पूरा चॉकलेट जैसा ही टेस्ट. पूरा चॉकलेट जैसा ही टेस्ट होगा. पूरे चॉकलेट जैसा ही होगा. आधा हो गया, हाफ हो गया है. बोलो अलग अलग. और आप में से कोई बताए बेटा? आप लोग बताइए अगर हम चॉकलेट को हाफ पार्ट दे दिए किसको रानी को तो टेस्ट बदल जाएगा? टेस्ट आज हाफ हो जाएगा? नो सर, टेस्ट नहीं बदलेगा. अगर क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी सर कितना पार्ट उसके पास जाएगा रानी के पास? थ्री पार्ट. थ्री पार्ट. और क्या? हाउ मेनी पीसेज यू आर लेफ्ट विद रानी? रानी के पास कितना बचे? सर सर हाफ एंड हाफ. हाफ एंड हाफ का वो जो फर्स्ट क्वेश्चन था कैट आस्किंग डिवाइड द चपाती इक्वली. हाउ विल यू डिवाइड इट? यस सर, इसका आंसर क्या लिखना है? आप 1/4 पार्ट कर दीजिए बेटा. हाफ ऑफ हाफ. आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ पार्ट. सर पढ़ाई मैंने शेप्स फ्रॉम अ हाफ शीट. क्या बेटा? सर आगे पढ़ाई है मैंने शेप फ्रॉम हाफ शीट. सर ये जो सोच रही है हाफ चॉकलेट इज एज टेस्टी. हाँ तो आप बताओ ना होल चॉकलेट तो उसमें तो यही तो क्वेश्चन मैं आपसे नो यही पूछ रहा हूँ आपसे कि हाफ ए चॉकलेट इज ए टेस्टी होल चॉकलेट. यस या नो? नो. यस यस सर राइट. यस अगर हम हाफ चॉकलेट को तोड़ भी दें कोई मिठाई लो स्वीट लो एनी स्वीट्स स्वीट डिश अगर हाफ कर देंगे क्वांटिटी में तो उसके टेस्ट में ऐसा तो होगा नहीं कि टेस्ट भी हाफ हो जाएगा. नो क्वांटिटी लेस या मोर होगा यानी मात्रा. अंडरस्टूड? टेस्ट इज नो चेंज. ओके अब आइए मेनी शेप फ्रॉम ए हाफ. आप लोगों की आवाज कट रही है बेटा, रुकिए मैं म्यूट करूं. यस किसी भी चीज का किसी भी थिंग्स का चाहे वो बिस्किट हो टॉफी हो चॉकलेट हो अगर हम उसकी क्वांटिटी क्वांटिटी मीन्स मात्रा क्वांटिटी मीन्स दो चीजें होती हैं एक क्वांटिटी एक क्वालिटी. तो क्वांटिटी अगर हाफ करते हैं या 1/4 करते हैं हमारे चॉकलेट सिक्स पीसेस था हमने थ्री कर दिया
इट इज दिस पार्ट ऑफ रानी रीना, दिस पार्ट ऑफ रीना किसको मिलेगा? रीना को। ठीक, अब आप बताइए कि आधा चॉकलेट का टेस्ट भी आधा हो जाएगा? नो, नो चेंजिंग इन टेस्ट ओनली। अब आइए, मेनी शेप्स फ्रॉम ए हाफ सीट। हाफ सीट मतलब हाफ सीट, टेक ए पीस ऑफ पेपर, कट द सीट इनटू टू इक्वल ट्रायंगल सो दैट ईच ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सीट, सेट द टू ट्रायंगल्स विद डिफरेंट कलर्स। आपको क्या करना है, जस्ट यू टेक Yes, हमने क्या लिया, एक पेपर लिया, क्या ले लिया, टेक ए पीस ऑफ ए पेपर, पेपर मैंने ले लिया, कट द सीट इन टू इक्वल ट्राइंगल्स, हमने टू इक्वल ट्राइंगल्स बनाना है, जस्ट फोल्ड इट जस्ट लाइक, आप ऐसे ही फोल्ड कर सकते हो या हाफ कर सकते हो, इक्वल सो द ईच ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सीट। हम क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फोल्ड इट एंड मेक द ट्रायंगल, बनाने आता है, मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, आप अच्छे से बनाना और कट इट, हमारे पास क्या हो गया, इट इज द ट्रायंगल। आप एक्टिविटी है, आप इसे घर पे कर सकते हो बेटा, यस अंशिका बोलो सर, हम लोग वहां क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे या नो लिखेंगे? यस लिखोगे बेटा, जहां टेस्ट है ना, यस क्या यस जस्ट लाइक होल चॉकलेट, यस। अब आप ट्रायंगल बनाइए, हाफ शीट पेपर्स लेके मेक ए ट्रायंगल, और भी इसके ट्रायंगल बनाने के हो सकते हैं, कैसे बनेगा जी ट्रायंगल बनाओ एंड कलर इट, draw different shapes using this triangle, one such shape is show here, आपकी बुक्स में दिया हुआ है, और कलर आपको कलर करना है, do two different color, ठीक है, and many ways cut into half, बहुत सारे तरीके हैं हाफ कट करने के, है क्या है, फॉर सिंपल एग्जाम्पल रख दो, इधर रख दो, काम है उस पेपर का, सपोज इसको हाफ करो, इसे हाफ करना है, क्या करोगे बेटा, सी द ब्लैक व्हाइट बोर्ड सर, यस हाफ कर, हाफ करना है, यस गुड, दिस शेप हाफ कट, हमें क्या करना है,
कितने तरीके से हाफ कट हो सकता है? द फर्स्ट आई सिंपल हाफ, एनदर हाफ सर कर लिए, दूसरा ये भी हाफ हो सकता है, ये भी क्या है वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई टू। और कोई प्रोसेस, और कोई तरीका? आपको शेप को, अब आइए आप, मेनी वेज टू कट इनटू हाफ। यहाँ पे आई हैव मेड अ रेक्टेंगल इन ट्रायंगल बना दिया, यस, इनटू टू इक्वल पार्ट्स लाइक दिस, ईच पार्ट इज हाफ, वी राइट इट एज ए वन बाई टू, इट मीन्स वन पार्ट आउट ऑफ टू, वन पार्ट आउट ऑफ टू। यू कैन चेक अप दिस पार्ट्स आर इक्वल, ट्राई कीपिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। अगर हम रखें और दोनों इक्वल हो, दैट मीन्स बोथ आर हाफ पार्ट, बोथ आर हाफ पार्ट। यहां पे पेज नंबर 97 पे, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू कट ए रेक्टेंगल इनटू हाफ, ड्रा फाइव डिफरेंट वेज, 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्सेज हैं आपके बुक्स में, इन योर बुक्स, सी हाउ मेनी, 1, 2, 3, 4, 5 है, इसको हाफ कट करो, दिस क्या करोगे? जस्ट लाइक जैसे मैम ने 3 तो कर दिया, 1 हाफ हाफ हाफ, दूसरा वेज, कोई और बताओ, तीसरा, चौथा, बोलो है? हाफ पार्ट करना है, और कैसे होगा? मैंने सर कैसे और बना दिया, वन पार्ट एक, 3 तो आपने बता ही दिया है, हाँ तो 2 और बनाओ, बोलो कुछ नहीं सूझ रहा, नथिंग जो, अब आप आइए पेज नंबर 96 पे, देखो आपके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, बोथ आर इक्वल, दोनों जो एक कट किया हुआ है वही 1/2, इसको कट करना द हेल्प ऑफ रूलर, रूलर से लेके, अगर आप, हम इसे थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दें कट, यस 96 पे देखिए, आपको ग्रीन सेट, ग्रे सेट में है, ग्रीन इस में बच्चे ने कट किया, जस्ट लाइक आप इसे यूज कर सकते हैं, वैसे भी कट कर सकते हैं हम, आप हम ऐसे भी कट कर सकते हैं, कैन यू चेक इफ द इक्वल, यस, कैसे हम दोनों पार्ट्स को काट के ऑन द टॉप एक के ऊपर एक रख दें, बोथ आर देयर इज, सपोज आपके पास रेक्टेंगल, लिसन, आपके पास एक शीट है, आपने कट किया हाफ, कैसे होगा? जस्ट हाफ, अगर हम एक कट कर दें, यहाँ पे हमारा फोल्ड हो रहा है, अगर कट करके एक के ऊपर एक दोनों 1/1 ऑन द टॉप ऑफ वन रखें तो क्या होगा? व्हाट इज, एक के ऊपर फिट, अगर ये बोथ आर कहीं पे भी अगर ज्यादा कम नहीं हो रहा है तो इट मीन बोथ आर इक्वल, बोथ आर
जस्ट आप अपने शेप में भी हम ऐसे ऐसे कट करते हैं, वन पार्ट इज अनदर पार्ट पे हम अपसाइड्स में रखें तो हम मेजर कर सकते हैं इट इज हाफ। अब आप नहीं होगा अगर हम कट क्या करें यहाँ करें ये हाफ होगा बोलो ये हाफ होगा इससे क्यों इक्वल नहीं है यानी हमें सेंटर से लेना है किससे लेना है सेंटर ठीक है यूज द स्केल आप मिडिल सेंटर भी नहीं कर सकते मिडिल कर सकते हो नॉट सेंटर सेंटर कहाँ होता है इन द सर्कल वेयर सेंटर इज सर्कल सर्कल में होता है सेंटर आप यहाँ पे मिडिल कर सकते हो मध्य में बीच में ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जो है स्टार क्वेश्चन फिर आपके पास फाइव यस आपके पास अब क्या बनाना है आई मेक फोर पार्ट लाइक दिस ईच पार्ट इज ए क्वार्टर एंड आई कैन राइट इट एज ए वन बाई फोर वन बाई फोर इट मीन्स वन पार्ट आउट ऑफ फोर यानी हम अब क्या बनाने जा रहे हैं क्वार्टर वन बाई फोर अभी तक हाफ था इट इज द हाफ। अब हमें वन बाई फोर बनाना है अब अगर हम टू पार्ट यानी वन बाई फोर वन बाई फोर वन बाई फोर वन बाई फोर यानी चार पार्ट वन टू थ्री फोर इसे हम क्या बोलते हैं क्वार्टर। वन बाई फोर अभी तक क्या था इट इज द हाफ हाफ इज इक्वल टू वन बाई टू एंड इट इज अ वन बाई फोर। अब आपके पास चार हैं आपके बुक्स में सी द बॉक्स इज दिस बॉक्स ठीक है इसमें क्या करना है आपको कि फोर पार्ट्स बनाने हैं जैसे यहां पे बना सिंपल एक मैं बहुत ही सिंपल वाला बना दे रहा हूं सपोज फोर पार्ट्स हियर इज वन वन बाई फोर वन बाई फोर वन बाई फोर एंड वन बाई फोर यानी आउट ऑफ फोर वन पार्ट वन बाई फोर इज इक्वल टू क्या हुआ आउट ऑफ फोर वन पार्ट आउट ऑफ फोर वन पार्ट इज वन बाई फोर ये समझ में आ रहा है कि आउट ऑफ फोर यानी चार में से एक पार्ट हमारा क्या हो गया वन बाई फोर तो प्लीज मेक वन बाई फोर पार्ट ऑफ दिस 97 पेज नंबर 97 में आप ड्रा करोगे कट करोगे ठीक है। हो जाएगा कि नहीं इट्स डू इट बोलो
यस बेटा हो जाएगा सर, हो जाएगा, गुड। कार्तिक पटेल, निर्भय, प्रियांशु, मैं आप लोगों को देख रहा हूँ। अंशित, अंशित कहाँ बेटा? दिव्यांशु सागर, यशराज, वेयर आर यू? आदित्य कुमार, बहुत लोगों का वीडियो ऑफ है, तो डू इट, ठीक है? इट इज योर होमवर्क, इसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2 करेंगे एंड सेकेंड 1/4 पार्ट। कल हम लोग कटिंग का केक काटते हैं, ठीक है? एंड वन स्टोरी इज ग्रेडी कुंडू। ग्रेडी, ग्रेडी मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडी? कहाँ है कटिंग द केक? आगे के पेज पे है कटिंग द केक 98 पे, और 99 पे है ग्रेडी कुंडू। कुंडू कुंडू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडी? ग्रेडी में नाम सुने हो? लालची, लालच। 97 में दो है, दो है। तो ग्रेडी मैन ये स्टोरी हम लोग कल पढ़ेंगे, एंड उसके बाद यूजिंग ए प्राइस लिस्ट, यूजिंग ए, चलिए ओके, कंप्लीट इट बेटा, ओके बाय। कौन है, किसका बर्थडे है? किसका बर्थडे है, किसका है क्या? बिना मतलब का कार्तिक पटेल है, बिना बर्थडे के ही बर्थडे मना रहा है, तो बोर हो रहा होगा। चलो ओके बाय।